नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये डिस्कवर है 100 cc। इसमें क्या हो रहा है कि गाड़ी 30-40 के ऊपर चल रही, तो गाड़ी झटके ले रही थी, क्योंकि ये डिस्कवर 100 cc है। और ये प्रॉब्लम हो रहा था इस क्वाइल से, इस क्वाइल में जो यहाँ पत्ती निकला हुआ था वो लूज कनेक्ट था, इससे ये वाइब्रेशन कर रहा था और यहाँ स्पार्क कर रहा था, इसलिए झटका ले रहा था। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम के चलते लगता है कोई क्वाइल वगैरह शॉर्ट कर गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है, ये क्लिप इसमें लगता है, ये लूज था क्योंकि इसका ये जो पिन था ये खा गया था, खराब हो गया था, तो इससे में स्पार्क हो रहा था, इसलिए गाड़ी 30-40 में झटके ले रही थी। तो इसे मैंने सोल्डिंग कर दिया है, सोल्डिंग करके मैं इसमें जोड़कर और टेपिंग कर दूंगा, और टेपिंग करने के बाद ऐसे फिटिंग कर दूंगा, ये झटके नहीं लगेगी। ये बहुत जगह दिखा चुके थे कि नहीं, बहुत से लोगों ने कहा एक क्वाइल खराब है, वो क्वाइल खराब, बट इसमें ये प्रॉब्लम, कोई क्वाइल का प्रॉब्लम नहीं था, बस लूज कनेक्ट के कारण ये स्पार्क कर रहा था। ये छोटा प्रॉब्लम है बट चलने में दिक्कत हो रहा, तो ये बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया। इसमें कुछ नहीं, बस एक वायर सोल्डिंग कर बाजार दुकान में आप सोल्डिंग करवा सकते हैं, सोल्डिंग करके इसको मैं फिटिंग कर दूंगा अटैच करके, उसके बाद ये सही हो जाएगी। अगर आपके भी बजाज डिस्कवर 1 cd वगैरह या 100 cc डिस्कवर वगैरह झटके ले रही है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसे ठीक कर सकते हैं, घर पे भी ठीक कर सकते हैं, या आप टंकी के नीचे से हाथ घुसाकर इसे हिलाकर देख सकते हैं ये लूज है या नहीं। अगर लूज है तो उसे टाइट कर लें, अगर उसका पत्ती खराब हो चुका है तो उसे सोल्डिंग करवा लें, इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी रात भी हो गई है, रात में काम कर रहा हूँ ज़्यादा, आज ज़्यादा रात हो गया, काम ज़्यादा है इसलिए करना पड़ रहा है, तो ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके लिए। अगले वीडियो में आपको और भी कुछ जानकारी लेकर आऊँगा, तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।